Press the bell icon from your YouTube app and never miss any update from MJ Infotainment. हेलो फ्रेंड्स, बिग बॉस का 15वां सीज़न हाल ही में स्टार्ट हुआ है, जहां कई सारे पॉपुलर फेसेस ने सीज़न में पार्टिसिपेट किया है, जहां प्रीमियर एपिसोड में सभी की एंट्री दिखा दी गई है, जहां एक कंटेस्टेंट ऐसा था जिसकी एंट्री ने सभी के ध्यान अपनी तरफ खींचा। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अभिनेता विशाल कोटियन की, जिनकी एंट्री काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार और इंटरटेनिंग रही, और विशाल ऑडियंस का अटेंशन पहले दिन से ही अपनी तरफ आकर्षित करने में सफल रहे। अगर बात करें विशाल की पर्सनल लाइफ की, तो उनका जन्म 13 फरवरी 1985 में मुंबई में हुआ था। वो एक सिंपल फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने अपने बचपन मुंबई की दगड़ी चौल में बिताया है। विशाल ने बिग बॉस में ही सलमान खान के सामने रिवील किया था कि वो उनकी मूवीज़ के टिकट्स को ब्लैक में बेचकर जो पैसा कमाते थे, उसी से अपने स्कूल और कॉलेज की फ़ीस भरा करते थे। और विशाल सलमान के बहुत बड़े प्रशंसक भी है। अगर बात करें उनके करियर की, तो विशाल ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की, जिसके बाद उन्होंने 1998 में टेलीविज़न इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत करी, जहां उनका पहला शो था सोनी टीवी का दिल विल प्यार व्यार, जिसके बाद उन्होंने कई सारे पॉपुलर टीवी शोज़ में काम किया, जिसमें से 1999 में सोनी टीवी का शो फैमिली नंबर 1 से उनका मोहित का किरदार काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, जिसके बाद से वो CID, इश्क कोई है जैसे शोज में एपिसोडिक करेक्टर्स में दिखाई दिए, और कई सारे ऐसे शोज भी किए जहां उन्होंने छोटे मोटे रोल्स किए जो कि मोस्टली अननोटिस रह गए। फिर साल 2013 में उन्हें देखा गया लाइफ ओके के पॉपुलर डिवोशनल शो देवो के देव महादेव में भगवान श्री हनुमान के किरदार में, जहाँ उन्हें नोटिस किया गया, जिसके बाद फिर से उन्होंने स्टार प्लस के महाभारत में हनुमान जी के छोटे से किरदार में गेस्ट अपीयरेंस दिया। पर 2014 में उन्होंने किया था अपने करियर का सबसे बड़ा हिट शो, जिसका नाम था हर मुश्किल का हल अकबर और बीरबल, जहां वो बीरबल के लीडिंग कैरेक्टर में दिखे थे, और ये शो हिट रहा था जो कि करीब 3 साल चला, जिसके बाद 2020 में वो फिर से इस शो के सिक्वल अकबर का बल बीरबल में नज़र आए थे। इसके अलावा TV पर उनका एक बड़ा शो था विघ्नहर्ता गणेश, जहाँ उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट करेक्टर लंकापति रावण के करेक्टर को प्ले किया, जहाँ उन्होंने इस कैरेक्टर में पारस छाबड़ा को रिप्लेस किया था, जहाँ इस कैरेक्टर में भी दर्शकों ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। तो दोस्तों, ये था विशाल का TV करियर। फिलहाल विशाल अभी बिग बॉस 15 के कंटेस्टेंट है, और ये शो उनके करियर का सबसे बड़ा शो है। जिस हिसाब से उन्होंने शो में धमाकेदार एंट्री ली है, उसे देखकर लगता है कि वो शो के इंटरटेनिंग कंटेस्टेंट होंगे और शो में काफ़ी ज़्यादा आगे तक जाएंगे। वेल, हम विशाल को गुड लक विश करना चाहेंगे और होप करेंगे कि वो इस शो से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी कमाए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट में विशाल के लिए अपने ओपिनियन छोड़ें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।